गाइडल थिंग्स आज की इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के थर्ड पार्ट के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें थोड़े से नए कॉन्सेप्ट हैं जो हमने पिछले डिस्कस कर रखे हैं वो, और उसमें थोड़े से एक नया कॉन्सेप्ट ऐड करके दो बातें हम डिस्कस करेंगे। एक तो जो मान लीजिए कि कोई इस तरह की ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसका नाम हम मान लेते हैं कि पी है, इसका नाम क्यू है और इसका नाम आर है। ठीक है, और जो राइट एंगल है वो किस पर है, पॉइंट पी पॉइंट क्यू पर है, और हमें क्यू आर की वैल्यू दे रखी है, पी आर की वैल्यू दे रखी है, और हमसे कहा जाता है कि कोट ए की वैल्यू बताइए। ठीक है, हमें क्या करना है, कोट ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें मालूम है कि ये ए है, तो मीन्स एंगल जो कोट ए की जगह पर हम मान लेते हैं कि कोट आर, ये कोट ए नहीं कोट आर है। ठीक है, कोट आर की वैल्यू हमसे कहा जाता है निकालने के लिए। तो देखिए एंगल जो है वो कहाँ पर बन रहा है, पॉइंट आर पर बन रहा है। ठीक है, पॉइंट आर पर बन रहा है, दैट मीन्स ट्राइंगल में एंगल हमारा कहाँ पर बन रहा होगा, यहाँ पर। और जब ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, जैसा कि हमने भी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर नहीं अब तक आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक में जा करके देख सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोट थीटा जो होती है या कोट आर जो है वो अगर हमें निकालना है तो आधार बटे लंब रखना पड़ेगा, आधार यानी कि बेस और लंब यानी कि परपेंडिकुलर, ऐसा ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें आप इस वाले ट्राइंगल में देखें तो जो बेस है ये हमारे पास है ना, और जो लंब है ये भी है, तो कोट आर तो हम इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, तो कोट आर जो हम बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं, तो आधार हमारा बन रहा था आठ सेंटीमीटर और जो लंब बन रहा था वो 15, तो 8/15 ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहीं पर मान लीजिए हमसे साइन आर फाइंड करने के लिए कहा जाता है कि साइन आर की वैल्यू बताइए। तो देखिए साइन आर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो लंब बटे कर्ण होती है ना, लंब यानी कि परपेंडिकुलर और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज। अगर आप इस वाले ट्राइंगल को ध्यान से देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि लंब तो है हमारे पास लेकिन कर्ण नहीं है, है ना, हाइपोटेन्यूज नहीं है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हाइपोटेन्यूज को मालूम करना। हाइपोटेन्यूज कैसे मालूम करेंगे, तो चलिए हम इसे सेपरेटली इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कैसे हम थर्ड साइड को मालूम करेंगे। तो देखिए जब राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर हमें कोई भी दो साइड दी गई हो तो थर्ड साइड हम वेरी इजीली यूज़ कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। थर्ड साइड कैसे फाइंड करते हैं, तो उसके लिए हम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो कहता है कि जो कर्ण होती है यानी कि जो हाइपोटेन्यूज होती है उसकी स्क्वायर बाकी जो दो साइड हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। ठीक है, बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो देखिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज है यानी कि जो कर्ण इसमें है क्या, पी आर, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार, आधार कितना, आधार क्या है, क्यू आर, ठीक है, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस लंब, लंब क्या है पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर हम यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर, क्लियर। देखिए पी आर की वैल्यू तो हमें नहीं मालूम, वैल्यू पुटिंग का काम कर रहे हैं हम, तो पी आर की जगह पे क्या लिखेंगे, बस पी आर छोड़ देनी है, पी आर, ठीक है, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर, क्यू आर की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस पी क्यू, पी क्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर। तो देखिए पी आर का जो स्क्वायर होगा वो किसके बराबर होगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, ठीक है, और 15 का कितना होता है, 15 का होता है 225। अब देखिए कैसे आया है, तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है कि उतनी टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 15 की पावर 2 है तो मतलब 15 को 15 से गुणा करना है। ठीक है, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 8×64, 15 को 15 से गुणा करेंगे तो 225। अब देखिए पी आर का जो स्क्वायर है इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा, 4×5 9 6 2 8 2 का 2 289 बना। हमें तो पी आर की वैल्यू चाहिए, पी आर की स्क्वायर नहीं चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब स्क्वायर हटता है तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट लग जाता है। ठीक है, जब इधर से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, वर्गमूल लग जाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होता है, तो देखिए 289 के हम क्या करेंगे, तो देखिए जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है ना तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, इसके फैक्टर कर देते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर
289 का फैक्टर करा, तो देखिए 289 का फैक्टर कितना हो गया, 17 और 17, तो 17 और 17 का क्या बन रहा है, पूरा एक जोड़ा बन रहा है इन दोनों का, बन रहा है ना। तो जो जोड़ा बन जाता है उसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले जाते हैं। तो 17 का जोड़ा बना है यहाँ पर, तो 17 कहाँ जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर। तो देखिए जो 289 है इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो कितना निकलेगा, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा 17, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। तो मतलब जो पीआर होगी, पीआर की वैल्यू कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम में होता है क्या, जो हाइपोटेन्यूज से जो कर्ण है उसका स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर या और प्लस लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर जो है किसके बराबर होगा, आधार के वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होगा। आप आगे पीछे भी इस ऑर्डर को कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हमने इनका स्क्वायर करा, ऐड करा और लास्ट में स्क्वायर रूट निकाला। तो स्क्वायर रूट के लिए मैंने अभी बताया कि फैक्टर कर लीजिए, दो दो के जोड़े बना लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास पीआर की वैल्यू आ गई। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को और फर्दर सोल्व करते हैं। तो जो पीआर है अभी हमने निकाला, पीआर की वैल्यू कितनी होगी, 17 सेंटीमीटर। आप देखिए हमारे पास तीनों साइड की वैल्यू है, ठीक है। तो तीनों साइड की वैल्यू तो आप तो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी रेशो पूछे आप इजीली बता सकते हो। तो फर्स्ट वर्क हमारा यही है कि जो तीनों साइड है ट्राइंगल के वो फाइंड करना, ठीक है। और कैसे फाइंड करेंगे अभी हमने डिस्कस करा। चलिए हमें देखते हैं क्वेश्चन क्या था। तो देखिए क्वेश्चन था लंब बटे कर्ण, ठीक है। लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसमें लंब कितना है हमारा, लंब है 15 और हाइपोटेन्यूज है 17। तो आंसर कितना आएगा, 17/15, ठीक है, 17/15। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएंगी, साइन आर की। इसी तरीके से अदर अगर पूछेगा, सैक पूछ ले, मान लीजिए आपसे हमसे कहा जाता है आगे फर्दर कि सैक आर की वैल्यू बताइए, सैक आर की, ठीक है। तो सैक आर में कर्ण बटे आधार होती है, तो कर्ण यहाँ पर क्या है, 17, ठीक है। और आधार क्या है, बेस, बेस क्या है, बेस है 8, तो 17/8 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी वैल्यू हमसे पूछेंगे हम इसमें यहाँ से वैल्यू लेकर के सोल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब मैं आपको दो क्वेश्चन दे रहा हूँ और देखता हूँ कि कितने आप लोग सही इसका आंसर कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, कोसेक पी और टेन पी की वैल्यू बतानी है। आप हमें कमेंट्स में इसके आंसर को बता सकते हैं, कोसेक पी और टेन पी की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो याद रखिएगा आपकी बार जो एंगल बन रहा है वो कहाँ पर बनेगा, पॉइंट पी पर, ठीक है, पी पर बनेगा। बाकी वैल्यूज आपके पास तीनों है ही, बस वैल्यू पुट कर देनी है। 2 सेकंड लगेंगे दोनों आंसर देने में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो, पसंद आई हो, लाइक शेयर और कमेंट्स बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।